जिनके बारे में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन आठ घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि इन आठ घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह बर्बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस रिप्रेशन देने जा रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो बनते देंगे। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत इबरत वाली वीडियो भी आज की। क्यों? आठ ऐसे घरों के बारे में आज हम लोग जानेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ जिसमें खैर बरकत नहीं होती और रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो वो कौन से ऐसे आठ घर हैं जिसमें ना रहमत के फरिश्ते आते हैं ना खैर बरकत होती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाने पीने में हो या पैसे कौड़ी, किसी भी चीज़ में खैर बरकत नहीं होती। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो ज़रिए से। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। आजकल के लोग वाकई में हालात ऐसे परेशान हैं, आदमी कहता है कि काम नहीं चल रहा है, ये है वो, तमाम परेशानियाँ हैं। तो क्यों ये परेशानियाँ आती हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आठ ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन आठ घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि इन आठ घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाते हैं। तो वो आठ घर कौन से हैं और ऐसे घर क्यों तबाह होते हैं, उनमें ऐसे क्या काम होते हैं, तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर एक पर आता है जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसीलिए आप भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और अपने सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वह उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, अपने दहलीज से बाहर रखे, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वो अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर दो पर आता है जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियां वगैरह रखी गई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। मसलन घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई या किसी इंसान की तस्वीर हो गई, तो ये सभी जानदार है तो इनकी तस्वीर आप घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती, घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर तीन, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घरों में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से कभी किसी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर चार, जिस घर में ज़ोंबी हो। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ज़ोंबी हो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये ज़ोंबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि ज़ोंबी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वो बगैर गुस्ल किए ही ऐसे ही पानी डाल लेता है, नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को ज़ोंबी कहते हैं। याद रखे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर पाँच, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं।
जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात लानत करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीचे रखे, औरतों की आवाज़ घर की चार दीवारी से बाहर ना आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेगी तो ऐसे घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखे, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी, अपने घर के दरवाजों पर पर्दा लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद में वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजों पर लगे पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी, इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई थी, मगर अब तुमने अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसीलिए अब उनकी नहुसत पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। नंबर 8, इसी तरह से दोस्तों, एक मरतबा एक और सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है और मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज किया कि हाँ या रसूलल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ में बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। इससे पता चलता है कि घर में साथ बैठकर खाना खाने से घर में बरकत आती है। तो देखा दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन वाकई बड़ी बेहतरीन वीडियो थी और इस हर आदमी इबरत ले हर शख्स से कि ऐसे कौन से वो आठ घर यहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते और खैर बरकत नहीं होती है। ये हमने जाना, अगर ये कमी है तो उसको फ़ौरन दूर करें ताकि रहमत के फरिश्ते भी आएँ और घर में खैर बरकत भी आए। लास्ट में जो बताया गया कि एक साथ पूरे दस्तरखान पे पूरे परिवार एक साथ खाना खाना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत अच्छी बात है। एक परिवार एक साथ बैठे खाना खाता है तो कितनी अच्छी बात है। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे शायद इस वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।